Hello students. Welcome to St. Peter's English High School. Students, I am going to start second term. So please open your science book with me. Unit number four, page number twenty six. So please listen carefully. Unit number four, plants. Living things feed and grow. Students, उनको खुराक की जरूरत होती है क्योंकि उनो वो बढ़ती हैं देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन मैनी डिफरेंट साइजिज आपके इस लेक्चर में बहुत से प्लांट्स हैं और बहुत उनके बहुत से साइजेस हैं छोटे बड़े और डिफरेंट किस्म के प्लांट्स यानी कि मुख्त किस्म के पौधे होते हैं एज नो प्लांट्स हैव लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एज नो के पौधों पे बास पौधे ऐसे हैं जिन पे फल लगते हैं बास पौधे ऐसे हैं जिनमें सिर्फ पत्ते होते हैं और बास पौधे ऐसे हैं जिन पे सिर्फ फूल लगते हैं प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस और पौधे जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी और फ़ायदेमंद हैं कम टू द नेक्स्ट पॉइंट यू विल लर्न दैट आप इस चैप्टर में ये पॉइंट सीखेंगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप जो है वो सीखते जाएंगे

जानदार और बेजान प्लांट्स के बारे में उनके मुख्तफ हिस्सों को देख कर पहचान सकेंगे जान सकेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं दे गिव अस मैनी थिंग ये हमें बहुत सी चीज़ें फ्राहम करते हैं या देते हैं इनकलूडिंग फूड फॉर एग्ज़ाम्पल फूड ख़ुराक शेड साया एंड शेल्टर और पना नेक्स्ट पॉइंट लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजिस स्टूडेंट्स पत्ते जो हैं वो मुखलिफ़ शेप यानी कि शक्ल के मुख्त अशकाल के और साइज़ यानी के छोटे बड़े होते हैं प्लांट स्टोर देयर फूड इन रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स पौधे अपनी खुराक महफूज करते हैं रूट्स में अपनी जड़ों में स्टेम्स तनों में एंड लीव्स और पत्तों में फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड साइजेस फूल जो हैं वो मुख्तफ रंगों के शक्ल के और साइज यानी कि छोटे बड़े होते हैं वी हैंग एंड नॉन लिविंग थिंगस इट मीनस के जिंदा रहने वाली और बेचान चीजें द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थिंग दुनिया चीज़ों से भरी पड़ी है सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स कुछ चीज़ें जो हैं वो जिंदा रहने वाली हैं यानी कि जानदार चीज़ें हैं और कुछ बेजानदार चीज़ें हैं वी कैन ग्रोप थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हम इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे हम वो ग्रुप्स में तकसीम कर लेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो जिंदा रहने वाली हैं यानी कि जानदार और कौन सी बेजान कम टू द नेक्स्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स जानवर और पौधे जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं यानी कि जानदार यू आर आर लिविंग थिंग टू जैसे कि आप भी जानदार हैं लिविंग थिंग्स ब्रीथ जो जानदार चीज़ें हैं वो सांस लेती हैं ब्रीथ मीन सांस लेना मूव हरकत करना या हिलना जुलना ईट खाना ग्रो बढ़ना एंड हैव यंग वंस और इनके बेबीज भी होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें यहाँ ये प्लांट है ये लिविंग थिंग्स है क्योंकि ये बढ़ता है इसको खुराक भी मिलती है पानी भी मिलता है और ये बढ़ता है अनदर साइड एयर इज़ अ बेबी ये देखें ये बढ़ता भी है ये सांस भी लेता है और ये मूव भी करता है हरकत भी करता है यानी कि और बढ़ता भी है कम टू द नेक्स्ट मैनी थिंग इन द वर्ल्ड आर नाट अ लाइव बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानदार नहीं हैं या जिंदा नहीं है वी से दे आर नॉन लिविंग थिंग्स हम उनको कहेंगे कि ये जानदार बेजान चीज़ें हैं दे कैन नॉट मूव क्योंकि वो हरकत नहीं करती या हिलती जुलती नहीं दे कैन नाट ग्रो वो बढ़ती नहीं दे कैन नाट ब्रीद वो सांस भी नहीं लेती एंड दे डू नॉट ईट और वो खाती भी नहीं दे डू नॉट हैव यंग वंस और उनके बेबीज भी नहीं होते फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये सॉक्स हैं जो कि ना भरते हैं ना मूव करते हैं ना सांस लेते हैं ओके स्टूडेंट आई थिंक सो यू अंडरस्टेंड एवरी थिंग ओके स्टूडेंट्स लेट्स लर्न अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स प्लांट्स आर लिविंग थिंगस पौधे जो हैं वो जानदार चीज़ें हैं टू ग्रो वेल यानी कि पौधे को भरने के लिए अच्छे से भरने के लिए प्लांट्स नीड गुड सॉइल पौधे को अच्छी खाद की जरूरत होती है सनलाइट सूरज की रोशनी एयर हवा एंड वाटर और पानी की ज़रूरत होती है एट दिस पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पौधे को ये पौधा बढ़ा है इसको गुड सॉइल यानी कि अच्छी खाद की जरूरत होती है एयर हवा की ये देखें पानी इसको पानी दिया जा रहा है एंड सनलाइट और इसको सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत है इसको बढ़ने के लिए इन चीज़ों की जरूरत होती है पानी की हवा की अच्छी खाद की और सूरज की रोशनी की नाउ हेयर वी रीड देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पे बहुत सी पौधों की इकसाम है ये आप देखेंगे कि हम पढ़ेंगे भी इनके बारे में और ये आप ये देख रहे हैं प्लांट्स और आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइज ये देखें ये पौधे जो हैं मुख्त साइज के और शेप्स के हैं फर्स्ट क्लाइंबर्स क्लाइंब अप क्लाइंबर्स वो होते हैं जो दीवार के साथ बढ़ते हैं नीचे ज़मीन पे लगाए जाते हैं और उनको सपोर्ट दीवार की मिलती है जैसे कि यहाँ पे ये अंगूर की बेल है जो कि दीवार के साथ ही ऊपर बढ़ रही है क्लाइंबर्स क्लाइंब अप वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स कि ये दीवार के साथ ये भरते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं ये दीवार पे भरने वाले चढ़ने वाले पौधे हैं जैसे कि ये अंगूर की बेल है नेक्स्ट हेयर आर सम आर टॉल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये खजूर का पौधा है जो बहुत लंबा है ये सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है दरख्त होता है जो कि लंबा और बड़ा होता है ये इसके यानी कि यहाँ पे हम इसका साइज और शेप देख रहे हैं कि ये लंबा है और बड़ा है हेयर आर क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं कि ये बेल है लेकिन ये बेल ज़मीन के साथ जो है वो उग रही है ये दीवार के साथ नहीं ये भी क्रीपर्स है लेकिन ये ज़मीन के साथ उगने वाली बेल है या प्लांट है ये देखें यहाँ पे ये तरबूज का वाटरमेलन का प्लांट है जो कि ज़मीन के साथ बढ़ा है और आपने देखा होगा बहुत से पौधे ऐसे हैं जो ज़मीन के साथ ही बढ़ते हैं और जो है अपना वो फ्रूट देते हैं चाहे सब्जियों की सूरत में हो चाहे फलों की सूरत में हो जैसे कि करेले हैं कद्दू टीडे हैं ये सारे जो हैं ज़मीन के साथ साथ बढ़ने वाले पौधे हैं और उनको वहीं पर इनका जो है वो फल या फ्रूट्स निकलता है हेयर आर अदर सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर और कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि सिर्फ पानी में ही उगते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं ये लिली का फूल है वाटर लिली है ये जो कि सिर्फ पानी में ही उगता है सो आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड कि ये क्लाइंबर हैं जो दीवार के साथ चढ़ते हैं ये टॉलस्ट ट्री है जो कि बहुत ही सबसे लंबा तरीन दरफ़्त होता है और ये क्रीपर्स हैं जो कि ज़मीन के साथ उगने वाले पौधे होते हैं और ये है वाटर लिली जो कि सिर्फ पानी में ही उगता है ये पौधे वो हैं जो कि पानी में उगते हैं ओके ओके स्टूडेंट टर्न योर पेज देर इज एन एक्टिविटी फॉर यू एंड यू आर गोइंग टू डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स फर्स्ट हाउ मैनी प्लांट्स कैन यू थिंक ऑफ विच गिव ज फ्रूट्स सेकेंड हाउ मैनी प्लांट्स कैन यू थिंक ऑफ विच हैव फ्लावर्स आप अपनी मम्मा से पापा के साथ शेयर करें डिस्कस करें उनसे कि कौन से पौधे ऐसे हैं जो कि हमें फ्रूट देते हैं फल देते हैं और कौन से पौधे ऐसे हैं जिन पर सिर्फ फूल ही लगते हैं नाउकम टू द नेक्स्ट वी विल रीड प्लांट्स गिव एस फूड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्राम डिफरेंट प्लांट्स आर ईटन बाई ह्यूमन्स एंड एनिमल्स वी आल्सो यूज प्लाट्स टू प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर प्लांट्स के वफ असफ्रूट के पौधे हमें खुराक देते हैं हम पौधों से खुराक हासिल करते हैं सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे हम फल और सब्जियाँ हासिल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लान्ट आर ईटन बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स और कुछ पौधे ऐसे हैं मुख्तफ़ किस्म के पौधे ऐसे हैं जो इंसान भी खाते हैं और जानवर भी वी आल्सो यूज़ to प्रोवाइड शेड and shelter. और पौधे हमें साया और पना भी मुहैया करते हैं प्रोवाइड मीन मुहैया करना शेड शेडमिन साया एंड शेल्टर बना कि हम पौधों के नीचे साया भी साय में बैठते हैं पौधों के और बना भी लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बाज़ अवकात बारिश होती है या धूप होती है तो अक्सर कहीं ट्रेवल कर रहे हों तो हम लोग जो हैं वो बारिश में या फिर धूप में दरतों के नीचे खड़े हो जाते हैं ओके स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज द वु वी गेट फ्राम ट्रीज़ इज़ यूज़ टू मेक मैनी यूज़फुल थिंग्स लकड़ी जो हम रक्सों से हासिल करते हैं इज़ यूज़ टू मेक मैनी थिंग इससे बहुत सी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं वो बनाई जाती हैं या बनती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर डोर चेयर बेड एंड अदर चेयर इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं घर में जो लकड़ी से बनी होती हैं सोफ़ा टेबल्स चेयर्स बुक शेल्फ वार्ड्रोब बहुत सी चीज़ें जो हम लकड़ी से बनाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चेक यहाँ पे ये आपके लिए एक एक्टिविटी भी है और आपको रिफ्रेश करने के लिए कॉन्सेप्ट के आपने क्या पढ़ा है क्या सीखा है यूज़ द जम्बल लेटर्स जम्बल लेटर्स मीन मिक्स कन्फ्यूज़ लेटर्स हैं जिनको हमने करना है ऑर्डर में ले कर आना है और फिर इसको फिल करना है यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इस ब्लैंक्स में हम इन जम्बल लेटर्स को अरेंज करके इधर फिल करेंगे इन ब्लैंक्स में फर्स्ट प्लांट्स आर डैश थिंग्स हेयर इज़ जिम्बल लेटर्स जी आई आई एल एन वी कि इससे क्या वर्ड जो है वो बनता है प्लांट्स आर डैश थिंग्स इट मीन्स लिविंग एल आई वी आई एन जी प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स प्लांट्स जो पौधे जो हैं वो जानदार चीज़ें हैं नेक्स्ट सेकेंड प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड डैश हेयर इज़ चम्बर लेट लेटर्स एस जी आई ई एस वी विल राइट इन ऑर्डर एस आई जी ई एस साइज प्लान आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज वी विल राइट हेयर साइजेस के पौधे जो हैं वो मुख्तफ़ शेप्स के अश्काल के और साइज़ में छोटे बड़े होते हैं now we will read next here are a uh, parts of a plant plants have different parts पौधे जो हैं वो उनके मुतलिफ हिस्से होते हैं डिफरेंट में मुतलिफ हिस्से होते हैं here is a plant and it has many parts हेयर इज़ आ टमाटो प्लान प्लांट एंड इट हैज़ मैनी पार्ट्स फर्स्ट रूट्स ये जो टमाटर का पौधा है ये इसकी क्या है जड़ें हैं जो जो ज़मीन के अंदर होती हैं जब हम कोई बीज ज़मीन में बोते हैं उसको पानी देते हैं तो उसके छोटी छोटी पहले बर्ड्स निकलती हैं उसकी स्टेम निकलती हैं फिर उसके स्टेम के आगे उसके लीव्स निकलते हैं और फिर उसमें जो है वो फ्रूट आता है तो इस टमाटर के पौधे में भी सबसे पहले क्या है? जड़े हैं जड़ें हैं नेक्स्ट ये इसका स्टेम है यानी कि तना है एंड देन और ये इसके लीव यानी कि पत्ते हैं और नेक्स्ट ये इसका क्या है फ्रूट है फल है जो कि टमाटर की सूरत में आप देख रहे हैं रूट्स स्टेम लीफ एंड देन फ्रूट टोमेटो लेट्स टॉक अबाउट द ट्री फर्स्ट वी हैव टॉक अबाउट अ प्लांट पहले हमने पौधे के बारे में पढ़ा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ट्री हेयर इज एन एप्पल ट्री यहाँ पे ये एक सेब का दरख्त है प्लांट एक छोटा पौधा होता है और दरख एक ट्री एक बहुत बड़ा दरख्त होता है सो स्टूडेंट्स हेयर आर रूट्स ऑफ दिस ट्री यहाँ पे ये इस सेब के दरख्त की जड़ें हैं एंड हेयर इज आ ट्रंक ये उसका ट्रंक है जो कि बहुत हेल्दी और मोटा तना है एंड नाउ हेयर आर दीज ब्रांचेस ये इसकी क्या है ब्रांचेस हैं टहनियाँ हैं बहुत सारी टहनियाँ हैं एंड हेयर आर दीज लीव्स ये इसके क्या हैं पत्ते हैं एंड हेयर आर फ्लावर्स और ये इसके क्या हैं फ्लावर्स हैं फूल हैं पहले दरख्त पे फूल लगते हैं और फिर उसके बाद फल निकलता है एंड हेयर आर दीज फ्रूट और ये इसका क्या है फल है Okay students turn over the page we have another activity here concept check here is a tree can you write these words in the correct box students here which words in this block is block root trunk branch fruit leaves and here is a tree और यहाँ पे ये दरख्त हैं एंड हेयर आर दीज ब्लॉक्स दीज बॉक्सेस इन बॉक्सेस में हमने यहाँ से वर्ड्स लेके इनकी करेक्ट प्लेसिस पे वो लिखने हैं कि ये कौन सा दरख्त है और ये इसकी क्या सिंबल्स दे रहे हैं ये जो इसके लीव्स हैं कहाँ पे इसके लीव्स हैं कहाँ पे इसका फ्रूट है कहाँ पे इसका ट्रंक है कहाँ पे इसकी रूट्स है ये हमने यहाँ से वर्ड्स लेके इन बॉक्सेस के अंदर फिल करना है इस योर होमवर्क ये आपका होमवर्क है यू विल डू विद योर पेरेंट्स ओके आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द करेक्ट नंबर्स नेक्स्ट टू द नेम्स ऑफ दिज प्लांट पार्ट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स यहां पे दख्त के जो हैं वो पार्ट्स दिए गए हैं नेम दिए गए हैं और यहाँ पे यू कैन लुक दिस पिक्चर यहाँ पे इसके ट्रंक हैं लीव्स हैं रूट्स हैं सीड्स हैं फ्रूट हैं फ्लावर्स हैं अब हमने यहाँ पे देखना है कि द्रक के कहाँ पे कौन से नंबर पे यहाँ पे लीव है हमने यहाँ पे लीव देखते है फॉर एग्जांपल ये देखें नंबर वन पे लीव है और यहाँ पे देखें ये फ्लावर है लीव है ट्रंक है हमने यहाँ पे देखना है कि किस नंबर पे लीव है वो हमने नंबर यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना है देखिए एट नंबर पे है फ्लावर तो यहाँ पे हम फ्लावर के आगे नंबर एट लिखेंगे कि नंबर एट पे हमारे पास यहाँ पे क्या है लिखा हुआ फ्लावर है फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट ये है फ्रूट हमने देखना है कि विच वन नंबर ऑफ दिस वी विल राइट हेयर फ्रूट एंड नाओ हेयर इज़ सेवन नंबर यहाँ पे नंबर सात जो है वो फ्रूट का है तो हम नंबर सेवन यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट हेयर इज़ अ सीड्स ये है सीड्स यानी के दरख्त के बीज या पौधे के बीज सो वी विल लुक हेयर नंबर सिक्स पे क्या है सीड तो वी विल राइट हेयर नंबर सिक्स सीड के आगे हम नंबर सिक्स जो है वो लिखेंगे Okay, students, that was all for today. You are supposed to do this activity with your parents, and I will check it after the holidays. See you in the next video with the remaining chapter. Till then, take care of yourself. Thank you.